आप मुझसे कसम ले लें भाभी, मैं ऐसा कैसे खुद से कर सकती हूँ? मैंने कबीर से इजाजत ली थी ये सब करने से पहले, और अब देखिए ऐसे बन रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। वाला तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कबीर चुप कर जाए प्लीज, चुप हो जाए कबीर। फर्क तुम गुलाम तो नहीं हो, खूबसूरत हो, माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है सारी जिंदगी इसी तरह अपने शौहर की गुलामी करने की? अलग अगर मैं तुम्हें अकेले बाहर जाने से मना करता हूँ तो इसके पीछे कोई वजह है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इतनी तारीफें तो आपकी नहीं करती जितनी शेराजी साहब की करती हैं। आप कर लें उनसे बात, मुझे नहीं लगता कि वो जॉब से रिजाइन करेंगे, काफी जिद्दी हैं वो। काश इस वक्त मैं हमजा का चेहरा देख सकता, उसके एक्सप्रेशन देख सकता, बहुत पेचोताप खा रहा होगा। सर मिस्टर हमजा हाशिम के वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि ये लैंड हम खरीद चुके हैं। अभी तो कुछ दिनों तक उसे नींद ही नहीं आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ महीनों पहले मुझे नींद नहीं आती थी। अगले जितने भी टेंडर हैं कुछ भी करके हासिल करो। जी सर, मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर तमाम टेंडर हमने हासिल कर लिए तो हमजा हाशिम अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकेगा, और जितना नुकसान हमजा ने मुझे पहुंचाया है उतना तो मैं उसे पहुंचाऊंगा, और आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में धकेल दूंगा उसको। सर मिस्टर हमजा हाशिम की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था, हमारे साथ सभी काम करने वालों ने इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि सभी टेंडर्स हमारे हाथ से जा चुके थे, हमारी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। जो डिप्रेशन मुझे दिया था वही वापस करूंगा। सर मिस नवाल को कंपनी में लाने का क्रेडिट तो आप मुझे देंगे ना, कैसा बेहतरीन काम किया मैंने। ये कंपनी मेरा सब कुछ है, इसको मुल्क की नंबर वन कंपनी बनाकर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम एक काम करो, हमजा जिस मेडिसिन कंपनी को पाकिस्तान लाना चाहता है उनसे बात करो, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, लैंड प्लांट लेबर सब कुछ देंगे उन्हें, जो भी चाहिए। तुम उनसे बात करके उन्हें अपने साथ काम करने पर राजी करो। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। हमजा क्या बात है, जब से आए हो क्या सोच रहे हो? मैंने एक जमीन खरीदनी थी, सब कुछ फाइनल था, लेकिन एन वक्त पे पता चलता है कि वही जमीन तुम्हारे बॉस शिराजी साहब ने खरीद। तुम ये सब कुछ जानती थी ना? नहीं, मैं नहीं जानती थी। कब खरीदी उन्होंने? झूठ बोल रही हो, तुम उस कंपनी की सीनियर मैनेजर, तुम्हें इल्म ही होगा तो किसे होगा? तुम्हें सब पता था, ये भी कि वो जमीन मैं खरीदने वाला हूं, और ये भी कि वही जमीन शिराजी खरीदे। हमजा मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी, क्या फायदा होगा मुझे? ना तुमने ये बात डिस्कस की मुझे, ना शिराजी साहब ने। वो जमीन मैं मेडिसिन फैक्ट्री के लिए खरीदने वाला था, लेकिन तुम्हारे शिराजी साहब ने वो मांगी कीमत देकर वो जमीन खरीद ली। जानती हो क्यों? क्योंकि वो हर हाल में मुझे नुकसान पहुंचा सके। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, शिराजी साहब तुम्हारे हरीफ हो सकते हैं लेकिन वो इतने कमजोर नहीं है कि सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर दें। बस कर दो यार, और वक्त शिराजी साहब, शिराजी साहब, I'm sick of it। तवाल, तुम हर वो काम कर रही हो जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही। मैं कोई भी काम करने की कोशिश करता हूं उससे पहले शिराजी को पता होता है। तो हमजा ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी कंपनी से कोई मिला हुआ है उनके साथ, वहीं से इंफॉर्मेशन लीक हो रही हो।
ऐसा कोई भी इंसान हुआ ना तो उसको मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा, रिजाइन या मेरा साथ, तुम्हें जॉब चाहिए या मोहब्बत, फैसला तुम्हारा है। हमजा तुम हर चीज में मेरी जॉब को बीच में क्यों ले आते हो, उसके बगैर भी तो बात हो सकती है ना? नहीं हो सकती, तुम्हें फैसला करना हो। हमारी शादी सिर्फ उसी सूरत में होगी जब तुम जॉब से रिजाइन करो। अगर तुमने जॉब से रिजाइन नहीं किया तो मैं शादी नहीं करूं। क्या ये क्या कहा है तुमने? वही जो तुमने सुना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या इतना आसान है सब कहना और करना? तुम हमारी मोहब्बत को अपनी अना की भेंट चढ़ा दोगे? मैं नहीं, तुम हमारी मोहब्बत के बीच अपनी जिद और अना को ला, अपनी जिद को दूर रखो, मोहब्बत कायम रहेगी। और अगर मैं नहीं मानूंगी तो? मेरा जो फैसला है मैंने तुम्हें बता दिया, आगे का फैसला तुम्हें करना ना। तवाल, हमजा आया था, और ये शोर किस बात का था? नवाल मेरी बात तो सुनो। तवाल क्या हुआ है बेटा, मुझे कुछ बताओ तो सही। अरे ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा, कुछ बोलो ना, कुछ कहा है हमजा ने? उसने कहा कि शादी से पहले मुझे हर हाल में रिजाइन करना होगा वरना वो शादी से इनकार कर देगा। गुस्से में कह दिया होगा नवान, इंसान गुस्से में जज्बाती हो किस तरह की बातें कह देता है। वो इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है? फिर वो फैसला मुझ पर इम्पोज करना और मुझे उसे मानने पर मजबूर करना। शादी से पहले ये सब कुछ करना, शादी के बाद क्या करेगा? फलक ठीक कहती है, वो मुझे एक पपेट की तरह ट्रीट कर रहा है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अच्छा तो परेशान ना हो, मैं सूफिया बेगम से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आप अच्छा रोना तो बंद करो ना। फलक ये देखो, इट्स नाइस राइट? ब्यूटीफुल। कबीर वो नवाल आपी की शादी की शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे। हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें शॉपिंग भी करनी है। आई नो, आपके जहन में तो आया नहीं तो सोचा मैं ही याद दिला दूं। आई एम सॉरी। अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी 10 लाख दे देंगे, बाकी और कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। 10 लाख रुपए? अलग शॉपिंग के लिए 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं है? तो 1-2 लाख में क्या आता है, कम से कम अच्छे से अच्छा जोड़ा भी ना 4-5 लाख का आएगा, और मेरी बहन की शादी है पता लगना चाहिए। अच्छा जोड़ा पहनूंगे तो आप ही की इज्जत होगी, लोग कहेंगे कबीर की वाइफ है। हल्का जोड़ा पहन लिया ना तो लोगों ने आपको ही बातें करनी है। अब सोच लें आप। क्या कह सकता हूँ मैं, ठीक है कल अकाउंटेंट से कहूंगा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर। थैंक यू। वेलकम।
हमजा क्या हुआ है, खैरियत? स्टॉप ऑल दिस, ये सब मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। खुशी का मौका है तुम्हारी शादी, ये सब तो होगा बेटा। बट स्टिल प्लीज बंद कराए सब शोर शराबा। हमजा क्या हो गया है बेटा? What happened, mama? The mood off है उसका। हमजा, मैं कई दिनों से नोट कर रही हूं तुम्हारा यही एटीट्यूड है, क्या बात है? मैं आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आप प्लीज जाए यहां से। हमजा, हम फैमिली है तुम्हारी, अगर कोई इश्यू चल रहा है तो हमारे साथ शेयर तो करो। यहां देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हारे और नवाल के बीच कोई मसला हुआ है? हमजा मुझे बताओ, अब झूठ बोल के तो मुझे इस तरह टाल नहीं सकते हो। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी और बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे बारे में। कल को तुम अपनी शादी के लिए मरे जा रहे थे, हर काम में तुम पेश थे, और आज तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही रह गया। मम्मा, इज इट पॉसिबल कि हमें शादी कुछ दिन के लिए डिले कर दे? व्हाट, हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो तुम? हमजा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं फिलहाल ही शादी नहीं करना चाहता। हमजा देखो, जो भी बात है हमें खुल के बताओ। क्या शादी बच्चों का खेल है? आज रिश्ता तय कर दिया, कल तोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। दिस इज अ वेरी सीरियस कमिटमेंट। दो खानदान इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? शादी मेरी हो रही है, जब मैं ही नहीं करना चाहता, आप मुझे फोर्स क्यों कर रही है? हम इसे फोर्स कर रहे हैं? ये तैयारियां हो रही है, अरे लोगों को क्या कहेंगे आप? What are you saying? It's a personal matter. आपको किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। Oh my God, mama. I think he is not in his senses. आप चले अभी, इसको छोड़ दें। मैं नवाल से बात करूंगी, वो हमें सब कुछ बता देगी। आप छोड़ दें इसको, आप आ जाएं, चलें। इस लड़के ने तो मुझे परेशान कर दिया है। इसी के कहने पे तो हम सुल्ताना बेगम के घर गए थे, नवाल ने तो शादी से सख्त मना कर दिया था। अरे उसको कितनी मुश्किल से मनाया हमने, और अब कितने आराम से कह रहे शादी कैंसिल कर दें। पागल हो गया, कोई शादी ब्याह मजाक है? खानदान वाले हंसेंगे हम पे, तरह तरह की बातें करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी हम सब की। क्या सोच रहा है ये? मामा आप परेशान ना हो, सुबह जाके हम नवाल से बात करेंगे। जब तक पता नहीं चलता कि बात क्या है, किसी एक को गलत तो नहीं कह सकते ना? नहीं बेटा, मुझे यकीन है ना, हमजा ही ने गड़बड़ की होगी। वो बेचारी बहुत ही प्यारी है, हमेशा इज्जत से और तमीज से और मोहब्बत से मिलती है, वो गलत हो ही नहीं सकती। मैं काम करूं, नवाल को फोन करूं, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। लेट्स सी व्हाट शी सेज टू यू ना। मामा अभी टाइम बहुत हो गए, इस टाइम उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा, सुबह जाकर उनसे मिल लेंगे। आप फिक्र नहीं करें, आप बस आराम करें अभी। ठीक है, लेट्स सी। हेलो नवाल, आप ही कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कल घर से निकलते हमजा की गाड़ी देखी थी, आपसे मिलने आए थे। सुलह हो गई आप लोगों की? मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, चुप क्यों हैं आप?
सुलह नहीं हुई क्या? फलक बात और बिगड़ गई है। ओह माय गॉड, आपने हमजा को समझाया नहीं? हमजा ने साफ कह दिया कि अगर मैं रिजाइन नहीं करूंगी वो शादी नहीं करेगा। ये आप क्या कह रही हैं? हमजा ने ऐसा कहा है? हाँ। हद हो गई, हमजा तो बहुत ज्यादती कर रहा है आपके साथ। आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? आपने उसे कुछ नहीं कहा? मैंने बहुत कोशिश की है फलक, लेकिन हमजा कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। भाई मैंने तो हमजा जैसा अनापरस्त और खुदगर्ज इंसान तो कभी देखा ही नहीं। पता है नवाल, अब ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, औरत को इतना कमजोर और कठपुतली समझने लगते हैं। और आप परेशान ना हो, आप अकेली नहीं है। मैं हूँ, मम्मा आपके साथ हैं, आप कोई लावारिस थोड़ी हैं। परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। फलक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या करूँ क्या मतलब है? मैं आपकी जगह होती ना तो साफ इनकार कर देती शादी से। आज एक बात मानेंगे कल को 100 बातें मनवाएंगे अपनी फजूल, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे इंसान से शादी करने से बेहतर है इंसान अकेला ही मर जाए। खैर आप परेशान ना हो, मैं कल आऊंगी आपसे मिलने, फिर आराम से बात करेंगे। शाजी साहब, मैंने आपकी टीम से डिस्कस किया, इस वक्त हम आपको 10% से ज़्यादा ऑफर नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले हमारी उमर हयात साहब से बात चल रही थी और उन्हें भी हमने 10% शेयर पर ही डील किया था। आप इन्वेस्टमेंट दुगनी कर लें, मैं दुगनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे शेयर्स 15% ही चाहिए। जैसा मैंने अर्ज किया, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। देखिए हमने आपकी बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानी है, ये बात हमारी आप मान लीजिए। अगर मैं इंसिस्ट करूं तो फिर आप अफसोस के साथ हम ये डील नहीं कर सकेंगे। मैं और कबीर हम दोनों ही इंटरेस्टेड हैं कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट आप करें, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप नहीं कर पाते, हमारे बीच में डील नहीं हो पाती, तो एक दो और लोगों से हमारी बात चल रही है, फिर हम उन्हें ऑन बोर्ड ले लेंगे। चलें ऐसा करते हैं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं भी अपनी टीम से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। श्योर, आप बिल्कुल वक्त लीजिए, सोचना आपका हक है। आपकी टीम से आपकी जो भी डिस्कशन होती है मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेटा हमजा ने हमसे ऐसी बात की कि हम तो परेशान हो गए, सोचा यहाँ ही आके बात कर लें, फोन पे बात करना मुनासिब नहीं लगा। अच्छा सुनो, जो मैं पूछू ना सही सही जवाब देना उसका। हमजा ने तुमसे शादी की कोई बात की है? जी। कहा पता नहीं क्या करता है बेटा, तुम तो उसे जानती हो, वो तो कुछ नहीं बताता, लेकिन तुम्हें तो बात करनी चाहिए ना। मेरा मतलब है कि रिश्तों में ऊंच नीच तो आती रहती है आपको पता है, लेकिन बात करना कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी है। इंसान अगर एक दूसरे से बात नहीं करते ना तो बात बढ़ जाती है, रिश्तों में ना एक फासला बढ़ जाता है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? देखो नवाल, जो भी बात है हमें बताओ ताकि पता तो चले आखिर मसला क्या है, गड़बड़ कहाँ आ रही है। मैं बताती हमजा नवाल से कह रहा है कि वो शादी से पहले जॉब छोड़। क्या? और वो अपनी अना में इस हद तक बढ़ गया है कि उसने शादी ना करने की धमकी दी है। आप मुझे बताइए, क्या महज़ब घरानों में इस तरह से होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, हम खुद परेशान हैं, बात इतनी बढ़ गई है और दोनों में से किसी ने कुछ कहा ही नहीं हमसे। आंटी असल में बात इतनी बड़ी है नहीं, हमजा को बस गलत फहमी हो रही है। देखो नवाल,
अगर हमजा रिजाइन करने के लिए कह रहा है तो कर दो। वैसे भी तुम्हें शादी के बाद जॉब की जरूरत तो नहीं है ना। बट जो आप बात समझ नहीं रहे हैं, हमजा को मेरे बॉस शिराजी साहब से मसला है। उसको लगता है कि शिराजी साहब मुझे हमजा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, कि मैं हमजा के खिलाफ उनका साथ दे रही हूँ। एक डील थी हमदानियन कंपनी के साथ, जो हमजा कहता है उससे नहीं मिली मेरी वजह से। वो कहता है उसके हर नुकसान के पीछे मैं हूँ। आंटी आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि मैं कभी हमजा का बुरा चाहूंगी? नहीं बेटा, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी है। तो आप ये गलत फहमी दूर करवाए ना। आप देखें, अब शादी नहीं हुई तो वो अपनी मर्जी चला रहा है। शादी के बाद वो क्या करेगा नवाल के साथ? नहीं नहीं, मेरा हमजा ऐसा नहीं है, इसको बहुत चाहता है, इसका ख्याल रखेगा। कोई परेशानी होगी ना, जिसमें से भी क्या परेशानी। मियाँ बीवी एक दूसरे पर अपनी मर्जी चलाने के लिए या दोस्त जमाने के लिए तो नहीं होते, एक दूसरे के साथ चलने के लिए होते हैं। लेकिन हमजा कॉम्प्रोमाइज तो दूर की बात, वो तो नवाल को प्रेशराइज कर रहा है, शादी ना करने की धमकी दे रहा है। क्या ये सब मुनासिब है? आप मुझे बताएं, ऐसे वक्त पे जब शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं, सबको पता चल चुका है, अब शादी कैंसिल करने की बात ही कर रहा है। कितनी बदनामी होगी दोनों खानदानों की। हम किस किस को जवाब देते रहेंगे, लोग कितनी बातें बनाएंगे, हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप इतनी परेशान मत हो। पता नहीं आप कहाँ चली गई है, वहां तक बात पहुंचेगी नहीं। मैं जाके उसको समझाऊंगी, उसे कान खींचूंगी। हम लोग भी तो जिंदा है अभी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ बेटा, जस्ट रिलैक्स। वो मुझे एक एड की ऑफर हुई है, नेक्स्ट वीक दुबई में शूट है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? साथिया मानना पड़ेगा, बहुत ही लकी हो तुम। पहला शूट है वो भी दुबई में। मेरा लकी चाम तो तुम हमारे, तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। सो स्वीट, थैंक यू फलक। वैसे फलक तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ब्रेक दिलवाई है, लेकिन पहला कमर्शियल साइन करते ही उनका दिमाग सातवें आसमान पर चला जाता है। हाँ, होते हैं कुछ ऐसे लोग जो एहसान फरामोश होते हैं, किसी का एहसान याद नहीं रखते। पर मेरा यकीन कर, मैं उन जैसी नहीं। अच्छा ये लो, ये क्या है? ये है तुम्हारे पहले कमर्शियल की पेमेंट एडवांस में। 10 लाख का चेक? मजाक कर रही हो क्या? वो भी एक कमर्शियल का? हाँ, ये सिर्फ एक कमर्शियल के पैसे हैं, वो भी 2 दिन के। एडवांस में सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाया है। माय गॉड, 10 लाख का चेक, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई एम सो हैप्पी, मेरा पहला चेक। थैंक यू सो मच मारिया। तो यकीन कर लो, आगे आगे देखो, ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट वीक पर फ्लाइट है तुम्हारी, उड़ान की तैयारी करो, आसमान छूना है तुम्हें। हाँ मगर टिकट्स, फ्लाइट, होटल, ये सब कैसे होगा? तुम उसकी टेंशन मत लो, वो जिम्मेदारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की है, वो सब हैंडल कर लेंगे। कॉफी तो पियो, ठंडी हो रही है। एक्साइटमेंट मेरी रात ही नहीं रहा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है हमजा, तुम इतनी अच्छी लड़की की इस तरह नाकदरी कर रहे हो और उसे प्रेशराइज कर रहे हो कि वो जॉब से रिजाइन करे। हाउ कुड यू डू दिस? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो समझदार और बादशोर हो। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो गलत कर रही है, उसका बॉस उसको मेरे खिलाफ यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है, नवाल ने हमें सब बता दिया है हमजा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। 1 साल से शिराजी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिल रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि नवाल के जाते ही कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया? उन्होंने जानबूझकर नवाल को जॉब ऑफर किए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बर्बाद करने के लिए कोई अंदर का बंदा ही उनकी मदद कर सकता है, और नवाल उसके लिए आसान मोहरा है, क्योंकि नवाल हमारा काम करने का तरीका जानती है। एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात मान भी लेते हैं हमसा, तो नवाल के साथ साथ कंपनी में और कितने एम्प्लॉयज हैं,
जो हर दूसरे तीसरे महीने तुम्हारी कंपनी छोड़कर जाते होंगे, उनको भी तो तुम्हारे काम करने के तरीके का पता होगा ना। तुम उन सबको क्यों नहीं रोक लेते हो? मान लो हमसा, हम इस तरह किसी को बाउंड नहीं कर सकते। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, और तुम नवाल पर अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? मुझे उसका वहां पे जॉब करना पसंद नहीं है। आखिर आप दोनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमजा बेटा, वो पपेट नहीं है, जीती जागती इंसान है। उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाब हैं, और जहां तक वो पहुंची ना, उसने बड़ी मेहनत की है। क्या तुम उसे प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगी। मामा ठीक कह रही है हमजा, औरत को प्यार से और मोहब्बत से हैंडल करोगे तो वो सब बातें मानती है, लेकिन अगर उस पर जोर जबरदस्ती और अपनी मर्जी चलाओगे तो वो टूट जाएगी। मैंने उसको समझाया, कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसको नहीं समझ में आया। और अगर मैंने उस पर थोड़ी सख्ती कर भी दी तो उसमें बुराई क्या है? उसके होने वाला शौहर हूं मैं। अगर वो कोई गलत कदम उठाएगी तो उसको बताना और समझाना फर्ज है मेरा। हमजा बेटा, समझाने का भी एक तरीका होता है। अरे तुम हमसे जैसे अभी बात कर रहे हो कि शादी रोकनी है, तुमने उससे कोई डिस्कस भी किया है कि नहीं? हम वहां जाके इतने शर्मिंदा हुए हैं सुल्ताना के सामने, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। This is not the way. अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये है तुम्हारा रवैया। अगर तुम अपने तौर तरीके चेंज नहीं करोगे ना, तो आगे जाके जिंदगी में बहुत नुकसान उठाओगे। You have to change your ways. नवाल किसी दूसरी कंपनी में जॉब करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा आखिरी फैसला। तो ये बात आराम से भी तो की जा सकती है ना? तो भी ठीक है, आप समझा लें उसे। मुझ में तो इतना पेशेंस नहीं है। मैं उसको ना बच्चों की तरह स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। हमारी शादी सिर्फ एक ही सूरत में हो, जब वो इस जॉब से रिजाइन कर दे। बस ये मेरा आखिरी फैसला। हमजा, डोंट बी सो स्टबर्न। आशीष क्या कर रहे हैं इस लड़के के साथ? अरे रिश्ते ऐसे थोड़ी जुड़ते हैं। कबीर, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो मुझे एक एड की ऑफर हुई है, नेक्स्ट वीक दुबई में शूट है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? फलक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले जो कुछ हुआ है मैं उसे भूल चुका हूँ, इसीलिए तुम भी ये सब कुछ छोड़ दो। कबीर, इतनी मुश्किल से चांस मिला है और क्या फर्क पड़ता है, एक दो दिन की तो बात है। बात एक दो दिन की नहीं है, मुझे तुम्हारा इस फील्ड में काम करना ही पसंद नहीं है, इसीलिए तुम नहीं जाओगी। दो दिन के लिए दुबई, वो भी अकेले और वो भी शूट के लिए? हरगिज नहीं फलक, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत कभी नहीं दूंगा। हाँ तो ठीक है ना, आप चले मेरे साथ। पागल हो गई हो क्या तुम? प्लीज ना कबीर, इसी बहाने काम भी हो जाएगा और फिर हम दोनों को भी मौका मिल जाएगा एक साथ टाइम स्पेंड करने का, घूमेंगे ना, प्लीज। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है और तुम भी नहीं जाओगी। अलग हालत देखी है तुमने अपनी, इस हालत में ट्रैवलिंग वैसे ही तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कहाँ गए आपके सारे वादे? शादी से पहले तो कहते थे ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया घूमेंगे साथ में, कहाँ गए आपके वादे? मुझे लगता है कबीर आपको कुछ भी याद नहीं है। फलक, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद। बिजनेस के हालात तुम्हारे सामने देख रही हो ना, क्या हो रहा है सब कुछ तुम्हें पता है ना। अब ऐसे हालात में मैं सब कुछ छोड़कर, बिजनेस छोड़कर घूमने फिरने निकल जाऊं तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस का मसला है, लेकिन आप मुझे तो इजाजत दे सकते हैं ना। पर प्लीज, मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और अब हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। कभी तवान, जब सोफिया बहन ने कह दिया है कि परेशान ना हो तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? वो खुद ही हमजा से बात करेंगी। मैं हमजा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत जिद्दी है,
इंतफा एक चीज के पीछे पड़ जाता है, जब तक वो हो नहीं जाती उसकी जान नहीं छोड़ती। देख लो बेटा, फिर जिंदगी भर का मामला, जो तुम्हें ठीक लगे वो ही फैसला करो, लेकिन अच्छी तरह से सोच लो ताकि बाद में किसी बात पर पछताना ना पड़े तुम। मुझे लग रहा है कि इसी हफ्ते शिराजी साहब के साथ हमारी डील फाइनल हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो भाभी, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर गए? हाँ, मैंने उन्हें बता दिया कि हम इस वक्त उन्हें सिर्फ 10% ही ऑफर कर सकते हैं। हमजा को भी 10% का ही शेयर होल्डर बनाया है, उनको भी हम मैक्सिमम 10% पे ही लेकर जा सकते हैं। तो कह रहे थे कि अपनी टीम से डिस्कस करके बताएंगे। मुझे यकीन है एक दो दिन में उनकी कॉल आ जाएगी। तुम तब तक ये करो कि पेपर्स रेडी करवा लो, ताकि उनके हामी भरते ही ना हम अग्रीमेंट पे सिग्नेचर्स ले लें। वैसे अगर शिराजी साहब एग्री कर जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्केट में हमारे खिलाफ जितने भी र्यूमर्स हैं ना, वो सारे अपनी मौत आप मर जाएंगे। आखिरकार शिराजी साहब का बिजनेस कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है। बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, परसों शायद मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाऊंगी, तो कबीर तुम प्लीज पीछे से सब कुछ संभाल लेना। फलक, एट होम यू विल हैव टू लुक आफ्टर। भाभी डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। इस्लामाबाद खैरियत है ना? हाँ, काम के सिलसिले में ही जाना है। असल में 2 नई ब्रांचेस वहाँ ओपन हो रही हैं, उस पर काम चल रहा है, तो उसकी वजह से जाना होगा। ओके। मुझे तुम्हारे इस फील्ड में काम करना ही पसंद नहीं है। मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और अब हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। फलक, तुम चाय नहीं पी रहे हो, ठंडी हो जाएगी। Enjoy your tea. पी रही हूँ, आप लोग की बातें सुन रही थी। साथ बहुत ही मजे की चाय बनाई। करियर है, मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया है, तो मुझे रिजाइन करने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैंने बहुत मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किसी की गलत फहमी की वजह से मैं इसे जाया नहीं करती। ठीक ही तो कह रहे हैं आप, मान लें आपकी बात। वैसे भी इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी बनने जा रही हैं, तो ऐसे चंद टकों के लिए जलील होना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन आपको पता है, गुस्सा करके कहने लगी अपने काम से काम रखो। तुम मेरी कामयाबी से जेलस हो रही हो? तुम्हें सिर्फ इसीलिए बुरा लग रहा है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हमें मिला। एक मेरी जिंद कली दुख ने हजार बे टूटे आए मान मेरा। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें जॉब चाहिए या मोहब्बत, फैसला तुम्हारा है। हमारी शादी सिर्फ उसी सूरत में होगी जब तुम जॉब से रिजाइन करोगे। हजार वे टूटे आए मान मेरा की कवा यार वे लंबी जुदाई तेरी। मुझे तो इजाजत दी नहीं, और आर्या भाभी से किसी ने पूछा नहीं। वो भी तो अकेली जा रही है ना, उन्हें भी मना करें फिर। आर्या भाभी बिजनेस के काम से जा रही हैं, और वो अक्सर जाती रहती हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो अकेली नहीं जा रही, पूरे स्टाफ के साथ जा रही है, उनके साथ उनकी टीम है। मैं भी अकेली नहीं जा रही थी कबीर,
मारिया जा रही थी, उसकी पूरी टीम जा रही थी। कबीर, एक दो दिन की तो बात है। फलक, तुम क्यों बार बार एक ही बात पे जिद कर रही हो? क्यों? एक मर्तबा कह दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी बस। और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या हुआ मेरी हालत को? कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फलक, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? क्यों बार बार जिद किए जा रही हो? क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मेरे भी करियर का सवाल है। मैं इसका कोई फायदा नहीं है फलक। आंटी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हें कुछ दिन के लिए वहां भेज दूं, कल चली जाना और एक रात रह के आ जाना। आपी मम्मा। अरे फलक, मम्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा आया। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आओ बैठो, बैठो, लाओ इन्हें यहाँ रख दो। अरे इतने सारे बैग्स, खैरियत तो है? हाँ, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत कुछ लिया आप लोगों के लिए। और मेरे लिए कॉफी बना लो। नवाल आपी, ये देखें, आप ये देखें, प्यारा है ना, हाथ में खा के देखे है ना मामा। और ये देखें मामा, आपके लिए। फलक, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? पहले मेरे पास इतने जोड़े हैं। क्यों जरूरत नहीं थी? मेरी बहन की शादी है, अब इतना हक तो मेरा बनता है ना कि मैं उसके लिए भी कुछ करूं। नवाल बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, क्या जरूरत थी खुद पर इतना बोझ डालने की? आप बिल्कुल फिक्र ना कर, ये सब कबीर के पैसों से नहीं किया, अपने पैसों से किया। एक्चुअली मेरा पहला चेक आया था ना, तो मैंने सोचा कि मेरे पहले चेक पर सबसे पहला हक मेरी बहन का और मेरी मामा का है। पहला चेक? हाँ, मॉडलिंग की थी ना, उसका पहला चेक आया। अच्छा, मुझे लगा था शायद सिर्फ शौक में करवाया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसे प्रोफेशनली करना चाहती हो। करवाया तो शौक से ही था, मगर उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया तो प्रोफेशन बनाने में क्या हर्ज है? और कबीर? उनसे मैंने बात करी, उन्हें कोई मसला नहीं है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कबीर को कोई एतराज नहीं है तो इससे अच्छी क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए फलक। को पता है इतनी बड़ी अमाउंट का चेक था, पूरे 10 लाख का, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि इतने सारे पैसे हो गए मुझे। वैसे भी आप ही हमेशा मुझे अपनी सैलरी से गिफ्ट देती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फर्स्ट सैलरी से आप ही को गिफ्ट दिया जाए। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बहन। फिर भी तो आज का डिनर भी मेरी तरफ से, हम लोग बाहर जाकर डिनर। नहीं 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 नहीं, पहले ये बहुत खर्चा कर चुकी है, और कोई खर्चा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं भाई, मेरी तरफ से है ये ट्रीट। नवाल, फलक कितना कैरी और इस कदर खुश है, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी इतने दिनों से हम लोग कहीं बाहर गए नहीं इकट्ठे। लेट्स गो। अच्छा चलो, तुम्हारी कॉफी आ जाए फिर निकलते हैं। आप और भी देखे ना, और भी बहुत कुछ लिया। खाओ भाई, देखो फलक इतनी आपने बुलाया था। सर जी बैठे। ये उस टेंडर की फाइल है जो हमने अमदानी ग्रुप के लिए भरा था, और ये फाइल शिराजी ग्रुप के टेंडर की है। जो कोटेशन इन्होंने फिल किए हैं आप जरा गौर से देखें। हमारी कोटेशन से थोड़ी सी कम, कुछ अमाउंट नहीं चला। इसका मतलब जानते हैं आप? नहीं सर। इसका मतलब यह है कि इस ऑफिस में से कोई हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर, किसी ने उनको हमारे टेंडर के बारे में बताया। अब वो जो भी है, मुझे वो बंदा चाहिए, समझा? जी सर। ये बात कॉन्फिडेंशियल है, मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए।